कोरोना वायरस के चलते जहां पर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं मजदूर सड़कों पर आपको नजर आ रहे होंगे। जिस तरह से दिल्ली हाईवे जाम है, तो आज आपको लेकर है राजधानी लखनऊ के भरगांव में, जहां देख रहे होंगे कम से कम 250 से भी अधिक झोपड़ पट्टियां हैं, जिनका जैसा कि रोजगार तो छीनी गया है कोरोना वायरस की वजह से, जिस तरह से 21 दिन का लॉकडाउन हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इनका गुजर बसर किस तरह से हो और किस तरह से इन्हें राशन मिले, जहां पर देख लेंगे किस तरह से पिछले 4 से 5 दिनों से लोग भूखे हैं, प्यासे हैं और पुलिस प्रशासन से भी मदद मांग रहे हैं कहीं ना कहीं राशन की, खाने की, लेकिन अभी तक किसी तरह की मदद इन्हें नहीं मिल पाई है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश। तो ये बताइए किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं लॉकडाउन से, आप लोग किस तरह से रह रहे हैं? अरे ये लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे, जितने लोग आ रहे हैं, जितनी झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं जी, ये सब भूखन मर रहे हैं आदमी। आज जो आता शासन प्रशासन के आते, सिपाही लोग आते, पूछ के चले जाते हैं खाना मिला, कहते नहीं मिला, कहते अभी भिजवा रहे हैं जी, अभी आ ही रहा, 5 दिन हो चुके हैं, सहारा देते देते 5 दिन से सब लोग भूखन मर रहे हैं यहाँ पर। 5 दिन से आप सभी लोग भूखे, भूख हड़ताल करे हुए पड़े हैं, सब लोग मर रहे हैं भूखे, यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। और ये सब मजदूर आदमी है और झोपड़ी में रहते हैं, और काम धाम सब बंद हो गया, ठप हो गया, कोई काम कुछ हो नहीं रहा है। तो जहाँ देख रहे होंगे कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी हैं और जिस तरह से लॉकडाउन से परेशान है, कहीं ना कहीं राशन खाने की कवायद पुलिस प्रशासन, जहाँ बता दें राजधानी का कृष्णनगर थाना लगता है, पुलिस आती है, सिपाही आते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ इतना पूछ के जाते हैं कि खाना मिला या नहीं मिला। लेकिन अभी पिछले 5 दिन बीत चुके हैं, किसी तरह की भी आर्थिक मदद या राशन की मदद इन लोगों को नहीं मिल पाई। आप यहीं रहते हैं? हाँ। कब से नहीं मिल पाई है मदद? हमारा नाम जिमदार सिंह यादव है जी, और मैं यहाँ बरगोग रहने वाला हूँ। यहाँ के लोगों की लगभग 200-250 झुग्गी बनी हुई है, और जो ही गरीब आदमी सब भटक रहे हैं, इनका काम धंधा सब बंद है, बिल्कुल 5 दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं। आज सुबह से कह रहे हैं भैया हमारा व्यवस्था, सरकार तो कह रही कि खाना राशन की व्यवस्था की, खाना राशन की व्यवस्था कराइए, तो हमका भैया हम लोग कहाँ से करा पाएंगे, शासन प्रशासन को बताइए, तो कहीं सबको बताते हैं पुलिस वाले सबको, कोई व्यवस्था नहीं करा रहा है। तो लिहाजा यह है कि राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से लिहाजा यह है इनको व्यवस्था खाना पानी कराया जाए, पुलिस मदद नहीं कर रही। हाँ, कोई मदद नहीं कर रही। तो देख रहे हो महिलाएं भी हैं, क्या नाम है मैडम आपका? गीता कश्यप। कब से? 5 दिन से सर, कोई खाना पानी नहीं दे रहा ना, वो बच्चे 4-4 साथ में है, कोई खाना ना पुलिस नहीं पहुँचाने जी, नहीं कोई मदद नहीं मिली जी, नहीं सरकार तो कह रही सबको राशन, नहीं नहीं सब गलत है, मेरे लोग के पास कोई चीज नहीं आया है, ना खाने पाए हम लोग और ना राशन पाए। बेटा क्या नाम है आपका? अमित कश्यप। खाना कब से नहीं खाया? 5 दिन। 5 दिन से खाना ना नहीं खाया, तो किससे मदद चाहोगे, किससे खाने के लिए कहोगे? सरकार। क्या नाम है आपका? खाना ना खाया कि नहीं खाया? पिछले 5 दिनों से जैसा कि छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, जिस तरह से पिछले 5 लॉकडाउन से काफी परेशान हैं, और जिस तरह से खाना और राशन के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन राजधानी के बरगांव में अभी तक किसी तरह की राशन की मदद नहीं पहुंच पाई है। क्या नाम है चाचा आपका? बाबूलाल। कब से 5 दिन हो गए लॉकडाउन, पूरा शहर बंद है? साहब 5 दिन से मेरे बच्चे और हम लोग 5 दिन से गुजारा, किस तरह कर रहे हैं, किस तरह खाना, पुलिस आती है, पूछ जाती है, लिख के जाती है, खाना अभी आ रहा, अभी आ रहा, इंतजार करते करते आज हम लोग को खाना की मदद नहीं मिल पाई, खाने की मदद हम लोगों को नहीं मिल पाई है। तो हम सरकार से यही कहते हैं, अगर खाने की मदद कर दीजिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे मोहल्ले वाले हैं, सब सड़क पर खड़े हैं। ठीक है, देखिए आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ सरकार से कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं और राशन की मांग जिस तरह से कृष्णनगर थाने की पुलिस से कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक राशन नहीं पहुँचा। चाचा क्या नाम है? पैर में काफी दिक्कत है। हाँ वही बेटा। कितने दिनों से खाना वाना नहीं खाया? अरे सर हो गए 4-5 दिन। तो 4-5 दिन से कोई मदद नहीं आई? अभी मदद करते वही थोड़ा चावल वावल लेके आते हैं, तो उसमें बच्चे हैं जनते हो, उसमें पेट वेट नहीं भरते हैं, कभी कभी अन्न भी। मदद मिल रही है कि नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, सब लोग भूखे प्यासे हैं, भूखे प्यासे। 250 से अधिक झोपड़ियां हैं। हाँ यहाँ और भी लोग हैं जैसा कि महिलाएं हैं। दादी कब से यहाँ रहती हो आप लोग? बहुत दिन से रह रही है भैया, जब से ये पूरा देश बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया है, खाने वाने की किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कहाँ खाने वाने मिलता है, कब से नहीं खा पाई है? वही गए 5-6-7 दिन। 5-6-7 दिन हो गए। पुलिस मदद नहीं करने आ रही? नहीं मदद ही आए रहे करे काल। खाना वाना देख गई? हाँ। खाना कल दे के गई है? हाँ। तो अभी क्या कहेंगे? इतना इतना देती हैं यहाँ, इसे पेट वेट नहीं भर पाते ना। हाँ, तीन तो लॉकडाउन से कितना क्या देते हैं?
ताजी दहिए रहा यहाँ वही में अति बड़े कटोरी में यहाँ यहाँ के यहाँ कटोरी सबका दहिए रहा जो हिमा घर में छः छः बच्चे हैं चार चार बच्चे हैं तो यहाँ दो कटोरी में क्या होता है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम लोग, रोज कमाना रोज खाना है। रोज कमाना रोज खाना है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा साहब, परेशानी है। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब सबको अच्छे तरीके देखे, अच्छे तरीके खाना राशन पानी सब कुछ दे पहुँचाए। दूसरी बात, आलू 40 रुपए किलो है, आटा 40 रुपए किलो है, गरीब आदमी कैसे खाएगा कैसे पिएगा, वो तो ऐसे मर जाएगा। दिहाड़ी भी बंद। जैसा कि देख रहे होंगे कि लॉकडाउन से कितनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, जहां पर 250 से भी अधिक यहाँ राजधानी के बरगवा में झोपड़पट्टियां हैं और जहाँ राशन और खाने से काफी परेशान है। पिछले 5 दिनों से इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। पुलिस प्रशासन द्वारा भी मदद जो मिली वो कहीं ना कहीं असक्षम है, जिससे इन लोगों का पेट गुजर बसर अभी नहीं हो पा रहा है। एक परिवार में 6 से 5 बच्चे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर राशन पहुँचाया जाए, खाने की व्यवस्था की जाए। जहाँ सरकार ये कह रही है कि आला अधिकारियों द्वारा इस तरह की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें झूठी साबित हो रही है, जिस तरह से राजधानी के बरगांव में हमने आपको दिखाया। तो बड़े अभी सी खबर कर रहे हैं। अरे भैया हम लोग आए थे ना पहले, जो थोड़ा बहुत था हम देखकर गए थे। अरे हमारा मित्र दिख गया, हम पहचान गए आप लोग। फिर हमने कहा कि विभाग है आप लोगों, इधर से दीजिए एक दो लोगों को। शुरू करो पार्टी है, तो देख रहे होंगे कि किस तरह से राजधानी के बरगांव में जहां पर झोपड़पट्टी वालों का बुरा हाल है, वहीं बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं भूख को लेकर जो खुशी की लहर इनमें, जहां बीजेपी कार्यकर्ता दो लोग पहुंचे हैं जो जगह जगह पर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी इन्हीं लोग से जब बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा लग रहा है आज मानव सेवा कर। सर क्या कहेंगे, कैसा देखिए ऐसा है, जैसा कि सरकार और प्रशासन जो है पूरी तरह से इसके लिए सतर्क है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो गरीब और जो मजदूर यहाँ पे कुछ अपने रोजगार के लिए यहाँ पे रह रहे हैं वो किसी न किसी भी तरह भूखे ना सोए, उनके भूख का कुछ न कुछ बंदोबस्त सरकार ने हर तरह से किया है। अभी मैं इधर से गुजर रहा था, इन लोगों को देखा, काफी परेशान है, 5 दिनों से भूखे हैं। इन लोगों ने कहा कि 4-5 दिनों से हम लोग भूखे हैं, खाना नहीं मिल पा रहा है, जहां आप लोग अचानक ही पहुंचे। जैसा कि देखिए ऐसा है ना कि क्षेत्र में कई जगहों पर ऐसा है कि कुछ लोग रह रहे हैं, ये सूचना नहीं मिल पा रही है। जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है, बीजेपी कार्यकर्ता हो चाहे प्रशासनिक लोग हो, वो हर प्रकार से उनकी हर संभव मदद करने के लिए खड़े हैं। सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है और साथ ही साथ ये प्रयास भी कर रही है कि कोई भी इस प्रदेश में ना इस देश में भूखा सोए। सर क्या नाम है? राजेश कुमार चौधरी, अवध क्षेत्र विदेश संपर्क विभाग। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? तकलीफ है, ऐसी बात नहीं है। जितना हम लोग कोशिश करेंगे कोई भूखा ना रहे, हमारी पूरा प्रयास है कि जहाँ जहाँ पर लोग भूखे हैं उनको घर खाना पहुँचाने के लिए। और तो यहाँ देख रहे होंगे कि किस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ये लोग भूख भूख चिल्ला रहे थे, तो वहीं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा खाने बांटने का काम शुरू किया गया है, जहाँ पर लगातार थोड़ी थोड़ी जगह पर ये लोग पहुंचकर खाना वितरण का काम कर रहे हैं। गुरीश मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा।